हेलो कंट्रोल रूम, क्या कटा हुआ सर? क्या कटा हुआ पैर? नेपालपुर क्या कटा हुआ? नेपालपुर विनोद, मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों का स्कूल चेंज करना चाहिए। बात समझने की कोशिश करो शिफाली, उनके स्कूल में एक बच्ची का रेप हुआ है। हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कैसे भेज सकते हैं जहाँ रिसेंटली ऐसा क्राइम हुआ? विनोद, मैं मानती हूँ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ क्राइम हो हम ऐसे स्कूल, संस्था और शहरों पे कलंकित का टैग लगा दें। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी के अंदर ये विश्वास पैदा करूँ कि जो एक बार गलत हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। विनोद, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सर, मुझे एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करानी है। किसकी मिसिंग कंप्लेंट है? मेरे पति की, कपिल कॉल, प्लीज उनका पता कीजिए। आप लोग घबराइए मत, बैठ जाइए, लीजिए आप पानी पी लीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ है। मेरे पापा मिसिंग है। 5 दिन पहले 4 मार्च को जब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर जयपुर निकल रहे थे, तभी हमने पापा को लास्ट टाइम देखा था। कपिल, मेरी माँ मुझे फिर ताना मारेंगी कि मैं जवाई जी को साथ नहीं लाई, आप भी चलो ना हमारे साथ। अनीता, कितनी बार बोलूं, मेरा स्केड्यूल टाइट है, जरा से भी फुर्सत नहीं है। घर पर हमेशा गेम्स खेलते रहते हो और फुर्सत नहीं है। क्योंकि गेम खेलने से मेरा माइंड अच्छे से काम करता है। तुम्हें पता है दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ना ऐसे ही माइंड गेम खेल खेल के बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल की है। लेकिन पापा, आपकी वजह से मैं लाइफ में जरूर पीछे छूट जाऊंगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया शाश्वत? मैंने बोला था मुझे TKS इंस्टीट्यूट से MBA करना है, और आप है कि मुझे एडमिशन फीस ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी मामूली इंस्टीट्यूट से पढ़े। मामूली इंस्टीट्यूट दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। हाँ, लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 तो नहीं है ना। मैं तुझे फॉरेन इंस्टीट्यूट में भेजने की तैयारी कर रहा हूँ, बस तू 6 महीने रुक जा, फिर सीधा UK जाना पढ़ने। सच में? हाँ। UK बाद में जाना, पहले जयपुर चल शाश्वत। चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है, चल चल जल्दी कर। मैंने आपका सारा खाना फ्रीजर में रख दिया, माइक्रोवेव करके खा लेते। हमारे पीछे ध्यान से रहना, फिजूल में किसी से कोई झगड़ा मत मोल लेना। यार, मैं तुम दोनों को इस भाड़ी के टैक्सी में जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। अगर अपनी गाड़ी चोरी ना हुई होती ना तो। अरे, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था हो गया। तुम अपना मन छोटा मत करो। मेरा मन बहुत विशाल है। तुम एक बार जयपुर से आ जाओ, देखना ब्रांड न्यू गाड़ी में तुम दोनों को स्टेशन से लेने आऊंगा। ठीक है। ध्यान से जाना बेटा, जाके फोन करना। उसके बाद पापा से डेली एक आध बार बात हो जाती थी। लास्ट टाइम उनसे बात तब हुई जब हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे। एक सेकंड, पापा का फोन। हाँ पापा। कहाँ पहुँचे शाश्वत? ऑन द वे हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट में जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ पिकअप करने, तो मैं दिल्ली कैंट। ओके पापा। तब से पापा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इतनी देर में पापा कहाँ खो गए, ना तो वो घर पर मिले ना वो ऑफिस गए। क्या करते हैं कपिल कॉल जी? हमारी ट्रैवल एजेंसी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कपिल जी किसी काम से कहीं चले गए हो? और ऐसा नहीं हो सकता, अगर पापा को कुछ अर्जेंट काम होता तो वो हमें जरूर बताते हैं। आपने बताया कपिल जी की कार चोरी हुई थी, ये कब की बात है? हमारे जयपुर जाने से 7 दिन पहले कार चोरी हुई थी। कहीं इस बात की वजह से कपिल के साथ कुछ? किस बात की वजह से? मैडम, हमें लग रहा है कि हमारे पीछे से कपिल को अकेला देख के सक्सेना ने उनके साथ कुछ किया ना हो। कैसा लगा कपिल साहब? मन्ना, मजा आ गया। फौलादी हाथ है यार तेरा। ये तो छोटे मोटे सेवक का हाथ है, और आप जैसे दाता आदमी का हाथ किसी के सर पे पड़ जाए तो उसकी तो निकल पड़ती है साहब। ये तेल लगाते लगाते मक्खन लगाने लगे हाँ? अरे नहीं साहब,
बात ऐसी है कि मेरा बेटा पढ़ने में थोड़ा फिसड्डी है, सोच रहा हूँ उसको किसी काम वाम पे लगवा दूँ, और कुछ लगेगा तो मैं लगा दूंगा साहब। देख मन्ना, गरम खून को पहले मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। अगर अभी उस पर पैसे लगाएगा ना तो कोई गारंटी नहीं कि काम चलेगा। मैं उसकी नौकरी एक एक्सपोर्ट कंपनी में लगवाता हूँ, वहाँ थोड़े दिन काम करेगा तो अकल आएगी उसे, है कि नहीं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मुन्ना, अगर तेरे पास पैसे हैं तो तू स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाता? अरे साहब, मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को उसकी क्या समझ। अरे मैं हूं ना, देख दिमाग चलाने से इंसान बड़ा बनता है। एक बार दिमाग चलने लगेगा ना तो ये सेवक दाता इनके हाथ की कोई जरूरत नहीं है। सक्सेना जी, जी आपके पड़ोसी कपिल जी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, उसी के बारे में बात करनी। कपिल की बीवी और बेटा दोनों झूठ बोल रहे हैं मैडम। मानता हूँ मेरा से झगड़ा हुआ था, तो क्या मैं उसकी गाड़ी गायब कर दूंगा? गायब तो अब कपिल जी भी हो गए हैं, कहाँ है वो? मैडम उसकी बीवी से पूछिए, उसके बच्चे से पूछिए। मुझे तो लग रहा है ये कुछ किया कराया सभी निकाय है और फंसा मुझे रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? मैडम कपिल को 5-6 दिन पहले देखा था मैंने, और कई दिनों से तो उनके घर में ताला लटका हुआ है। मुझे लगा कपिल और उसकी फैमिली घूमने गए होंगे, और कल इसकी बीवी और बच्चा आते हैं और कहते गायब हो गया। ये पक्का जी इन दोनों ने ही गायब किया होगा उसका। अच्छा ये बात बताओ, कपिल ऑफिस कब से नहीं आ रहा? सर वो 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे। 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे? जी साहब, शायद स्टेफी मैम को कुछ मालूम हो। स्टेफी? ये स्टेफी कौन है? साहब वो कपिल सर की सेक्रेटरी है। हाय स्टेफी, कैसी हो? मैंने ना तुझे अपना हाल चाल बताने के लिए फोन नहीं किया है, कपिल के बारे में जानने के लिए फोन किया है। मैम वो सक्सेना की बकवास सुनकर हम पर शक कर रही हैं। वो सिर्फ मैं और मेरी मम्मी जयपुर गए थे, पापा यहाँ दिल्ली में ही थे। हमने तुम्हारे पड़ोसियों से भी कंफर्म किया है, 4 मार्च से 8 मार्च तक तुम लोगों के फ्लैट में ताला लगा हुआ था, वहाँ कपिल जी को किसी ने नहीं देखा, और कपिल जी 4 मार्च से ऑफिस भी नहीं जा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम स्टेफी को जानते हो? हाँ, वो पापा के ऑफिस में काम करती है। जब पापा रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे तो मैंने सबसे पहले स्टेफी को ही फोन किया था, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि पापा 4 मार्च से ऑफिस नहीं गए। स्टेफी खुद 4 मार्च से ऑफिस नहीं जा रहे, क्या स्टेफी का कपिल जी से कोई इशू था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हेलो मैडम, मैंने मायापुरी पुलिस स्टेशन से पता किया, कपिल ने वहाँ कार चोरी होने की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। कपिल के फोन की लोकेशंस निकली? मैडम कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में बंद हुआ था, लेकिन 4 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच उसका फोन लगातार पहाड़गंज में एक्टिव था, और इसी दौरान स्टेफी का फोन भी वहीं पर एक्टिव था। ये तो गेस्ट हाउसेस एंड होटल्स के हब है। मैं पहाड़गंज ही जा रहा हूँ, पता करता हूँ कपिल वहाँ क्या कर रहा था, पता करके इन्फॉर्म करता हूँ आपको। ओके, बस बस विराम दीजिए। लॉक ही रहने दो स्टेफी, तुम्हें हमारे साथ चलना है। 4 मार्च की शाम से 8 मार्च की सुबह तक तुम और कपिल इसी होटल में थे। कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे लास्ट टाइम 8 मार्च को ही मिली थी। कब से चल रहे तुम दोनों का अफेयर? पिछले 2 साल से। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है? इंसान सीधे रास्ते पे चलने की तो कोशिश करता है, पर लाइफ उसको ऐसे मोड़ पर ले आती है कि सब कुछ बिखर जाता है। अगर ये अशोक मेरी लाइफ में नहीं आया होता ना तो ये सब नौबत ही नहीं आती। कपिल सिर्फ इंसानों को परखना ही नहीं जानते, बल्कि उनकी कद्र करना भी जानते हैं। और जो लोग उन्हें पसंद आ जाते हैं ना, वो उन्हें कभी भटकने नहीं देते। अशोक की रग रग से वाकिफ हूं मैं तो पहले ही समझ गया था वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता हूं,
बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है उसकी बीवी। अगर उसकी बीवी को तुम्हारे और अशोक के अफेयर के बारे में पता चल जाता ना, तो तुम दोनों की लाश नाले में मिलती। जानती हूँ मैं सर, पर फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। पता है, एक बार वरुण देव ने युधिष्ठिर से एक सवाल पूछा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। तो युधिष्ठिर बोले, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान ये करता है कि इंसान जानता है कि उसके लिए गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए बार बार गलत ही करता रहता है। कपिल को भी इस बात का गिल्ट है कि वो मेरे करीब आकर अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, और मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आज तक कपिल जैसा इंसान मिला ही नहीं। हो गया, बहुत ज्ञान बांट लिया, अब क्लियरली बता कहाँ है कपिल। मुझे नहीं मालूम मैम, पर मुझे अशोक पे डाउट है, क्योंकि हमारी नजदीकी से बौखला गया था। कहाँ रह गया ड्रिंक्स वाला? पता नहीं यार, जस्ट लगता है आ गया। फाइनली गो गो गो। कमिंग। अबे पीछे हट। तो तू यहाँ बैठी सेफी? ना फोन उठा रही ना मैसेज देख रही है। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझ जैसे शेर को छोड़कर इस कुत्ते की हड्डी बन जाएगी। कुत्ता किसको बोला मैं? साले यहाँ से निकलता है तेरा भूत बनाओ मेडिकल के लिए। ओ दो सवारी के ट्रैवल एजेंट, तेरी टिकट तो मैं काटूंगा, अभी सीधा ऊपर की। चुप हट, देख तू काटेगा। चल 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 छोड़, हाथ छोड़ अशोक, छोड़ मत अशोक। तू अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गया ना, तो तेरी बीवी को बुलाऊंगी और तेरे सारे कारनामे खोल दूंगी। जानते नहीं मुझे, तुम दोनों को मैं काट के फेंक दूंगा, तुम देखो मैं क्या करूंगा। चल हट। आई एम टेलिंग यू मैम, अशोक काफी गुस्सैल किस्म का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। कहाँ है तू? काम हो गया? अशोक खतरे का घर है ये? जी। आप कौन? मैं पुष्पा, अशोक मेरे पति हैं। अशोक जी को बुलाइए, वो ऑफिस में है। वहीं से ही आ रहे हैं हम, लेकिन वो 4 बजे ऑफिस से निकल गए थे, और अब फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, पर हुआ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? बेटा तुम अंदर जाओ। देखिए, अशोक का दोस्त कपिल गायब है, और अब लगता है अशोक कपिल को जानती है। हाँ, तो ये भी जानती होंगी कि अशोक ने कपिल को क्यों गायब करवाया है। आप ऐसे कैसे मेरे पति पे आरोप लगा सकती हैं? ऐसे कैसे नहीं है मैडम, स्टेफी को जानती है आप? मैं किसी स्टेफी को नहीं जानती। तो ये तो जानती होंगी अशोक कहाँ जाके छुपा है। देखिए, एक बेटी की माँ है, क्यों आफत मोल ले रही है? मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगी, अभी आप जा सकती हैं। भाई जरा बैग हटाना, बैठते हैं। बहुत भारी है, कुछ बम बम तो नहीं है? बम नहीं है, लाश है। आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रही थी, अभी भी यही बोलेंगे आप? कोई जवाब है आपके पास? किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा?
क्या हो रहा है शाश्वत? अब अशोक? हेलो, कहाँ है तू? लाश के इतने टुकड़े, इतने टुकड़े के अभी तक सारे बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। इतनी नफरत तो कोई गहरा दुश्मन ही निकाल सकता है। मैडम, कपिल की कार का पता चल गया। कहाँ मिली कार? मैं कपिल का कार नंबर ट्रेस कर रही थी तो पता चला कि उसकी कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि बैंक वाले उसकी कार उठा के लेके गए थे। पिछले 8 महीने से कपिल के कार लोन की EMI बाउंस हो रही थी। कपिल तो सबको ये कह रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। कपिल को जानने वाले लोग भी यही बता रहे थे कि कपिल बहुत शेखी बगारता है। कपिल की फैमिली अशोक को लेके क्या बोल रही है? कपिल की फैमिली वाले तो अशोक को उतना पक्का दोस्त भी नहीं बता रही जितना कि स्टेफी बता रही थी। पर मैडम, कपिल के बेटे शाश्वत ने बताया कि कपिल और अशोक एक ही सैलून में जाते थे, वहीं पे उन दोनों की दोस्ती भी हुई थी। आराम से मुन्ना, इतना रगड़ेगा तो अशोक वृक्ष झड़ के टकला हो जाएगा। अरे हाँ कपिल मुनि, तुम तो चने के झाड़ पे चढ़ाकर टकले के सर पे भी बाल उगा सकते हो। अरे भाई, तेरे कमीने पन से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं कमीना? पर तू जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के लोगों को ठगता है उसका क्या? मुन्ना को भी तो चिपकाई है तूने अपनी वो इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर स्टॉक मार्केट में ये पैसे डालता ना तो दुगने हो जाते अभी तक। मतलब ये स्टेफी के अलावा ये दोनों कपिल और अशोक में एक और कॉमन लिंक है, ये सैलून वाला। कहाँ है वो सैलून? मैडम, वो सैलून तो 1-1.5 महीने पहले ही बंद हो गया था और उस सैलून का मालिक मुन्ना ये सब बंद करके अपने काव बिहार चला गया। कपिल भाई, आपके कहने पे मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और सारा का सारा पैसा डूब गया। अब तो दुकान और घर की EMI तक नहीं भरी जा रही। अरे यार शांत हो जा मुन्ना, पेशेंस रख, ये शेयर फिर से उठेगा। कपिल की प्रेडिक्शन है ये। अरे फाड़ में गई तुम्हारी प्रेडिक्शन, जब देखो जब लंबी लंबी छोड़ते रहते हो। ये बात मैं भूलूंगा नहीं। कहीं ये मुन्ना बिहार में बैठ के ये सब कांड तो नहीं करवा रहा है? पता करो एग्जैक्टली कहाँ है वो आजकल। ओके मैडम। मैडम, महिपालपुर में लाश के और भी टुकड़े मिले हैं। मैंने बोला था ना मैं बच्चों से बात करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे बच्चे उस स्कूल में नहीं जाएंगे जहां रिसेंटली इतना बड़ा हादसा हुआ है। विनोद, तुम मेरे... हेलो, मैडम, 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 अशोक के फोन की लास्ट लोकेशन द्वारका की और उसका फोन 10 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ था। कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ और लाश के टुकड़े धौलापुर और महिपालपुर में मिले थे। पता करो क्या इन दोनों का द्वारका में कहीं आना जाना था। उस एरिया में अच्छे से इंक्वायरी करो। एक और कॉमन कनेक्शन मिला है दोनों की कॉल रिकॉर्ड में से। अशोक ने जो लास्ट कॉल किया था किसी बंटी कोशी को किया था और कपिल के CDR में भी किसी बंटी कोशी का नंबर मिला। कौन है ये बंटी कोशी? बंटी? जी सर। एक बार बाहर आना। हाँ मैडम, वो उस दिन अशोक सर ने मुझे फोन किया था। कहाँ है तू? क्यों फोन किया था? रूटीन रिपोर्टिंग। क्या रिपोर्ट करते थे? रोज की प्रोग्रेशन रिपोर्ट की थी मैम। कपिल को भी फोन करते थे? उसको भी रिपोर्ट करते थे? कपिल? कपिल? कपिल को नहीं जानते हो तुम? नहीं, वो कपिल कॉल या कपिल सिंह, अशोक सर के कपिल नाम से 2 क्लाइंट थे। कपिल कॉल जो अशोक खत्री का दोस्त है और अशोक के मर्डर के कुछ दिन पहले से वो गायब है। हाँ कपिल कॉल। हाँ मैडम, वो मैं अशोक सर की इंस्ट्रक्शंस कपिल कॉल जी को पास किया करता था। कैसे इंस्ट्रक्शंस? मैम वो अशोक सर ने बताने को मना किया है, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स, बोलो। वो ये मैडम अशोक सर का अनऑफिशियल काम था। वो कपिल सर की ट्रेवल एजेंसी में फंडिंग करके उसके 50% के पार्टनर बन रहे थे, लेकिन फंडिंग के अगले दिन ही कपिल सर मिसिंग हो गए। अशोक सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्हें लगा कपिल सर उनके पैसे लेके भाग गए हैं। एक सेकंड,
उन दोनों के बीच तो स्टेफी नाम की एक लड़की को लेकर झगड़ा सुन रहा था, और तुम बोल रहे हो कि अशोक कपिल की कंपनी में फंड डाल रहा था, और फंडिंग की भी थी तो कपिल की कंपनी अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए था, लेकिन उसके अकाउंट में तो इतना भी पैसा नहीं है कि उसके कार लोन के ईएमआई पास हो जाए। मैडम अकाउंट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, पर हाँ मेरे सामने अशोक सर ने कपिल सर को बहुत सा कैश दिया था। और हाँ उस वक्त कपिल सर की मैनेजर स्टेफी भी थी वहां। तुमको क्या लगता है किसने मर्डर किया होगा? भाभी जी, अरे तुम तो कपिल से भी ज्यादा तलाक निकली। अरे उससे तंग आ गई थी तो मैं मिला था तुम्हें फंसाने के लिए। सक्सेना बकवास बंद कर अपनी, और आगे से ये सब बकवास मेरे साथ मत करना। रोय, हाँ कहाँ जाना है? अरे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ से लेफ्ट होके सीधा निकल जाओ। कौन था ये? वो प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। विजिटर रजिस्टर दिखाओ। हाँ दस मार्च को एसके नाम की एंट्री हुई है, पूरा नाम नहीं लिखा है। सॉरी मैडम ध्यान नहीं दिया। रात को 1 बजे इसकी एंट्री हुई है, और ये एसके 304 नंबर फ्लैट में गया था। 304 में तो कोई नहीं रहता, वो तो पिछले एक साल से बंद है। लेकिन ये एसके की एंट्री तो 304 नंबर फ्लैट की है, किसका फ्लैट है ये? मिस्टर जयदेव ढिल्लो, वो पिछले एक साल पहले शिफ्ट कर गए, अभी पालम विहार में रहते हैं। रात को मेरे फ्लैट में कौन आ सकता है? शायद किसी ने रॉन्ग एंट्री की होगी। फ्लैट खोलिए अपना, चलो। क्या कांड हुआ है आपके फ्लैट में? किसको मारा है आपने? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो खुद अपने फ्लैट पे एक साल के बाद आया हूँ। तो फिर ये किसका ब्लड है सर? मैंने अपने फ्लैट की चाबी एक रियल एस्टेट एजेंट को दी थी ताकि मैं किराएदार रख सकूं। कौन एस्टेट एजेंट? संजीव कुमार, उसकी शॉप भी है एसके एसोसिएट्स के नाम से। एसके? मैडम मानता हूँ उस फ्लैट की चाबी मेरे पास थी, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? 15 तारीख की रात को तुम वहां गए थे ना, वहां इसके नाम की एंट्री है, इसके एसोसिएट्स के नाम से तुम्हारा बिजनेस है ना? हाँ मैडम, लेकिन अगर मैंने कुछ किया होता तो इसके नाम की एंट्री क्यों करके जाता? मलिक इधर आओ, इनसे सच उगलवाओ। मैडम उस फ्लैट में जो ब्लड मिला था वो अशोक के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। मतलब अशोक का मर्डर उसी फ्लैट में हुआ। मुझे नहीं लगता है पापा पुलिस को मिलेंगे, और ना ही मिले ना तो अच्छा है। उन्होंने उस स्टेफी के लिए आपको धोखा दे दिया। पहाड़ में जाए वो। की दशा मैं तनु, लगता है बुढ़ापा इतनी आसानी से नहीं निकलेगा हमारा, उसके चक्कर में फंस गए हम। की चाहिए था तनु? पानी? रुक जा। हेलो ठहर दो, ले कल। आप अंदर आइए ना। बंटी क्या तुम 10 मार्च को मेरे द्वारिका वाले फ्लैट में गए थे? हाँ अंकल मैं गया था। वो फ्लैट नंबर 304 के ओनर मिस्टर डिल्लो को कॉल कर रहा था कि उनका फ्लैट कुछ टाइम तक सील रहेगा, तो पर उनका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। चलो उनके फ्लैट पे चलते हैं।
देखो कौन था वहाँ, कैसा दिखता था, स्केच बनवा सकते हो? ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन हाँ वो पतला सा और लंबा सा लड़का था। तू बोल रहा है कि तू वहाँ 12 मार्च को गया था और 10 मार्च को वहाँ मर्डर हुआ था। तुम जिस दिन वहाँ गए थे उस दिन वहाँ बाथरूम में खून था। अच्छा, तभी वो मुझे बाथरूम नहीं जाने दे रहा था। रुक, क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तू वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। अच्छे से सोचो, जिस दिन तुम वहाँ गए थे उस दिन वहाँ कुछ अटपटा सा कुछ भी दिखा था? हाँ, बाथरूम के बाहर प्लम्बर का ड्रेस पड़ा देखा था मैंने। प्लम्बर? कौन था ये? प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। याद है वो आदमी जिसने उस दिन प्लम्बर के कपड़े पहने हुए थे? मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा कि वो शायद गलत पते पे आ गया है। हाँ मैडम। उसको पहले भी कभी देखा है? मैडम इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक बात याद है, उसने रजिस्टर में उल्टे हाथ से एंट्री करी थी, लेफ्ट ही था मैडम वो। आप लोग जा सकते हो। सोलंकी, पारुल, पता करो कपिल, अशोक और धीलो के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा है जो लेफ्टी हो। वो आदमी इस बिल्डिंग में आता जाता था। अब इस बिल्डिंग में तो सीसीटीवी है नहीं, यहाँ आने जाने वाले हर रास्तों में जितने भी सीसीटीवी है सब खंगालो। शायद कोई तो प्लम्बर की ड्रेस में कैप्चर हुआ होगा। ये कपिल, अशोक और धीलो के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, सबके हैंडराइटिंग सैंपल लो। रजिस्टर में हुई एसके एंट्री की हैंडराइटिंग से भी मैच करके देखते हैं। आपके एक कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। किसकी सर? मिस्टर डिलन। एक मिनट सर। हमें कपिल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करनी है, तुम उसके नॉमिनी हो। अकाउंट एक्सेस के लिए हमें तुम्हारी सहमति चाहिए होगी रिटर्न में। सोलंकी जी, एक पेपर दीजिए। राइट से लिखोगे? मैं राइट से लिखता हूँ। लिखो। ये देखिए सर, उसका ढेलों की डिटेल। उनकी घर की चेकबुक में आपकी कंपनी डिटेल मिली। हाँ सर, ये पिछले 10 साल से हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, प्रीमियम भी भर रहे हैं, बस इनका एक प्रीमियम ड्यू है। इनके बारे में डिटेल बता सकते हैं मुझे? हाँ सर, प्लीज चेक कीजिए। अभी तक ना कोई लेफ्टी मिला है और ना ही किसी की हैंडराइटिंग मैच हो रही है एसके की एंट्री से। हाँ साहब, यही था। मैडम मिल गया हमें हमारा किलर। मिस्टर इंश्योरेंस एजेंट, आप तो बहुत स्मार्ट निकले, लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं कि हमें चकमा दे सके। मैं समझा नहीं। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को? मिस्टर धिलो ने तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए चेक लिखा था, वो तो शायद तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन चेकबुक के इंडेक्स में उस चेक की एंट्री मिली। मिस्टर धिलो की इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट तुम, अशोक और कपिल के बीच की लिंक तुम। तो क्या ये साबित हो गया है कि मैं मर्डरर हूँ? हाँ साबित होता है, क्योंकि संजना अपार्टमेंट के वॉचमैन ने तुम्हें पहचान लिया है और उसने ये कंफर्म किया है कि तुम ही वहाँ कई बार गए थे फ्लैट नंबर 304 में। अब बताओ क्यों मारा उन सबको? द्रौपदी के स्वयंवर और मछली की आंख वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना। जब बड़े बड़े तीरंदाज मछली की आंख का निशाना लगाने में फेल हो रहे थे, तब अर्जुन का फोकस एकदम क्लियर था। उसने पूरी मछली नहीं सिर्फ उसकी आंख देखी थी और लगा दिया निशाना। लाइफ में मैं भी इतना ही फोकस्ड हूँ, प्राण जाए पर टारगेट ना जाए। ये विक्टिम्स तुम्हारे टारगेट थे? बंटी यार, मैंने तुझे बोला ना मेरा प्लान चेंज हो गया। अच्छा जो चेक मैंने तुझे दिया था वो वापस कर दे। सर आप एक बार फिर से सोचिए ना, ये बहुत अच्छा फैमिली प्लान है। अच्छा आप हैं कहाँ? मैं आपसे मिलने आता हूँ। अरे यार मैं अभी दिल्ली कैंट जा रहा हूँ, नहीं आ सकता। अरे सर दिल्ली कैंट के पास ही तो मेरा घर है, हरिनगर। आप यहाँ जाइए ना सर प्लीज। ठीक है।
सर आइए ना। बंटी तूने कहा इसलिए आ गया। चल अब पॉलिसी के फर्स्ट प्रीमियम का चेक जल्दी से ले आ। और यार पानी पिला, बहुत गर्मी लग रही है। सर मेरा इस महीने का 12 पॉलिसी का टारगेट है, अगर आप पॉलिसी नहीं लेंगे तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा सर। बंटी यार मैंने बोला ना नहीं चाहिए पॉलिसी, तो यार टाइम पास मत कर, जल्दी चेक लेके आ। अरे अगर पॉलिसी नहीं लेनी थी तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? ए बंटे आवाज नीचे। इतनी सी बात पे तुमने उसका मर्डर कर दिया? सिर्फ मर्डर ही नहीं किया, मार के काटा तो उसके अंगूठे का थंब इंप्रेशन फॉर्म पे ले लिया था, टारगेट पूरा। उसके बाद कपिल का फोन द्वारका ले जाकर बंद करके फेंक दिया, लेकिन एक मिस्टेक हो गई जो अशोक सर ने पकड़ ली थी। कहाँ है तू? हाँ सर वो एक पर्सनल काम से कहीं आया था। अबे तूने टारगेट तो पूरा कर लिया लेकिन कपिल की पॉलिसी पे जो साइन है उस पर 9 मार्च की डेट लिखी है जबकि कपिल तो 8 मार्च से मिसिंग है। वो सर मैंने फॉर्म बाद में भरा था ना तो शायद गलती से डेट भी बाद की डाल दी। मुझे डाउट था कि अशोक को मुझ पे शक हो गया है इसलिए मैं कोई चांस नहीं ले सकता था, इसीलिए उसको रास्ते से हटाने से पहले मैंने सोचा एक जगह का इंतजाम कर लूं, क्योंकि मैं दूसरा मर्डर अपने घर में नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने मिसेस जिल्लो से चाबी लेकर उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। अनबिलीवेबल, अपने टारगेट पूरा करने के लिए तुमने इतने लोगों को मार दिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.